नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको टैजोडिस 4.5 ग्राम इंजेक्शन का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो टैजोडिस 4.5 ग्राम इंजेक्शन मार्केट में आता है, बायोनोवा कंपनी का आता है जो कि एक जानी मानी कंपनी है। ये 4.5 ग्राम का इंजेक्शन जो मार्केट में आता है उसकी कीमत रहती है 446 रुपीज़ एंड 40 पैसा, यानी 446 रुपये और 40 पैसे। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे कैसे पैक में आता है। तो ये इंजेक्टेबल होने के कारण ये ऐसा ग्लास बॉटल में आता है। टैजोडिस 4.5 ग्राम जिसके साथ एडिस्टल वाटर दिया रहता है जो कि 20 ml का है। यानी दोस्तों ये जो इंजेक्टेबल है ये 20 ml के डिस्टिल वाटर में इसको मिक्स करके स्टर करके ये पाउडर फिर इंजेक्शन में उसको डाल के इसको यूज करना है। ये जो इंजेक्शन रहता है दोस्तों टैजोडिस 4.5 ग्राम, ये मेनली जब आप हॉस्पिटलाइजेशन में हैं, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आप डॉक्टर की निगरानी में हैं तभी ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर घर पे हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डॉक्टर के निगरानी में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह कंपनी ने लिखा है दोस्तों दिस इज द शेड्यूल्ड एज ड्रग। ये जो शेड्यूल्ड एज ड्रग रहते हैं दोस्तों, ये मेनली आप जब डॉक्टर के निगरानी में ही, डॉक्टर के निगरानी में ही इसका यूज़ करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसको लेना है, अपने दिल से इसको नहीं लेना है। तो ये जो टैजोडिस 4.5 ग्राम इंजेक्शन मार्केट में आता है, इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर पाइपरासिन 4 ग्राम एंड टैजोबैक्टम 0.5 ग्राम। ये जो पाइपरासिलिन रहता है वो 4 ग्राम में और टैजोबैक्टम 0.5 ग्राम में, जो टोटल मिला के 4.5 ग्राम होता है। पाइपरासिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन, तो ये क्या चीज़ के लिए चलता है मेनली वो देखेंगे। ये मेनली आपको कुछ सेवर निमोनिया की शिकायत है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड विद द निमोनिया, उसके लिए दवा चल सकती है। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इंक्लूडिंग पाइलोनेफ्राइटिस जिसको बोला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको है तो उसके लिए भी ये दवा चलती है। आपको कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है कुछ, उसके लिए भी ये दवा चलती है। आपको कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, इंक्लूडिंग डायबिटिक फुट इन्फेक्शन भी है तो भी ये दवा चलती है। ऑल्सो दिस मेडिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद द बैक्टीरिया associated with any of the infection listed above, तो आपको bacterial infection कुछ हो गया है तो उसके लिए भी ये दवा चलती है। तो बहुत बढ़िया combination company ने किया है दोस्तों। आपको जो complicated जो problem रहते हैं, complicated जो issues रहते हैं hospital के अंदर आप admit होने के बाद, तो complicated issues solve करने के लिए, complicated आपका जो problem है उसको सॉल्व करने के लिए मेनली ये दवा दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।
ये दवा की वजह से आपको नोसेन वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको डायरिया की भी शिकायत हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट रिएक्शन एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे कैसा लेना है, तो जनरली इसको एवरी 6 to 8 आवरली इसको दिया जाता है। ये मेनली डॉक्टर आपके एज के और वेट के हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं, और ये मेनली डॉक्टर के निगरानी में ही इसको लेना है। फॉर आईवी यूज ओनली, इसको इंट्रावेनस ही लेना है, आईवी यूज ओनली। और तो डॉक्टर के निगरानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।